अस्सलामुअलैकुम। अज तुहानू मैं उस सब्जी विच लै के आया कि जिहदे नाल छोटी छोटी तुहानू मैं दिखाई ही ते हुण माशाल्लाह वड्डी हो गई है ते एरे नालों फल भी उतर रहा है। यह भिंडियां मैं तुहानू दिखा रहा इस वेले जिहड़ी तुसीं जो कुछ देख रहे हो ना, यह भिंडियां ने। यह सामने लाइन जिहड़ी है ये भिंडियां दी है ते यह भिंडियां उतरदियां भी पईयां ने। असीं फरोख्त करने आ, सड़क दे उत्ते रेहड़ी लाई दी है ते ओह फरोख्त भी करने आ। यह नवे बूटे ने भिंडियां दे ते यह खीरा जे यह हुण जिथे कैमरा वज रहा है यह खीरे जे। यह लाइन जिहड़ी है यह खीरियां दी जे, खीरे भी उतर रहे ने। वह भी तुहानूं मैं दिखावांगा कि कित्थे असीं फरोख्त करने आ इन्हां नूं। यह देखो ना, यह खीरियां दीयां वेलां असीं उत्ते चढ़ाई दीयां ने। इन्हां ते लकड़ियां दे खुब्बे ला के, असीं ते खुब्बे आखणे आ, तुसीं पता नहीं की आखदे हो, खुब्बे ला के ना ते इन्हां उत्ते जिहड़ा ना वेलां चढ़ाई दीयां ने खीरे दीयां। अच्छा, यह पैली जिहड़ी असीं लाई दी आ इहदा कोई महल्ले वकू इस तरह दा कि इहदे आले दुआले जिहड़ा ना असीं उह भिंडियां लाई दीयां ने। अभी देख लो यह भिंडियां दी लाइन जी, अभी ते विच असी सब्जी लाई दी ना, मुख्तलिफ सब्जियां लाई दी ना। आ देख लो यह थले खीरियां दी वेलां जी, इधर यह जिहड़ियां चढ़ी दी नज़र आंदी पईयां ने, यह कद्दू जे है। यह उत्ते जिहड़ियां असी वेलां चढ़ाई दीयां ने यह कद्दू ने ते मैं तुहानू कोलों भी जाके दिखाना कद्दू। ऐ जी माशाल्लाह ऐ कद्दू, ऐ देखो ना ऐ कद्दू पेदा जी। और बड़े कद्दू ने माशाल्लाह, छोटे छोटे वड्डे वड्डे, क्योंकि सुबह दे असी ला लेने ते ऐ कद्दू देख लो फल पिया जे। इधर भी जगह जड़ी है ना वो कद्दू मैं जालियां दे बेचां, देखो ना कितना झांगड़ा है। देखो कद्दू बेचदा जे ए बेच, शायद ए देखो बड़ा सोहना जड़ा ना, कोई लमके दे ने, कोई जड़ा ना कुल्ली नवा एक कद्दू कीते दे ने, क्योंकि थले अजकल बरसात का मौसम है ये सड़ जाते हैं। तो माशाल्लाह बड़ा फल पिया। लो जी हुण तुहानूं मैं उधर लै चला, इहदे चों बाहर निकलीए, तुसीं कद्दू देख लेने। यह जी अगे आ गया जनाब, यह देखो तुसी ए कद्दू हो गए, ए करेली है जी करेली। ए भी तुहानू मैं दिखाना विच वड़ के, ए नैट हुंदा मच्छियां फड़न वाला, ए उत्ते जिहड़ा ना उत्ते चढ़ाई दीआं वेलां। ए देखो ना ए करेला, तुहानू नज़दीक करके दिखाया। ऐ देखो माशाल्लाह फल, ऐ देखो लमके दे, बड़ी दूर तक तकरीबन चार कनाल बिच सब्जी उगाई दी है, लाई दी है ते है। देखो ना सब्जी करेली है नाल पे दियां, तुसी गौर करो दे, क्योंकि इन्हां दियां वल्लां भी जड़ियां ने ना वो सब्ज़ हुंदियां ने ते जड़े करेला नाल या करेली पई दी है वो भी जड़ियां ने सब्ज़। माशाल्लाह बड़ी सब्जी है।
ਇਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਮੇ ਕੱਦੂ ਮੈਨੂੰ ਛਿੰਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲੰਮੇ ਕੱਦੂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਮੇ ਕੱਦੂ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੱਦੂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਬੇ ਕੱਦੂ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੇਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈੱਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਦੂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਦੂ ਲੰਮੇ ਕੱਦੂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥਾਲਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੱਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਕੱਦੂ ਲੱਥਦੇ ਨੇ ਮਾਣ ਸਵਾ ਮਾਣ ਅਤੇ 100-150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਚਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾ ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਰੋਜ਼ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੇਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਫਲ ਲੰਮੇ ਕੱਦੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਫਲ ਅਤੇ ਭੱਠੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੱਦੂ ਇਹ ਕੰਡਾ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੱਦੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਮਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਭਿੰਡੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਏਸੀ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਕਰੇਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਲੀਆਂ ਪਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਲੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਭਿੰਡੀਆਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਭੱਠੇ ਜੀ ਫਲਦੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਤਰਫ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਭੱਠੇ ਵੀ ਪੇਜ ਦਿੰਦੇ ਭੱਠਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਪੱਠੇ ਇਹ ਪੱਠੇ ਪਏ ਜੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਲ ਵੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਂਦੀ
बड़ी स्प्रे की है लेकिन कान बहुत ज़्यादा। तो आज ले इन्ना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो तुहानू मिलांगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैंने अपने कमांड को पहला पानी लगाया। काफ़ी गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा धूप, मैंने सोचा कि कमांड को मिट्टी भी चढ़ा दी गई है तो क्यों ना आज पानी लगा दें। तो तकरीबन आज दोपहर के वक्त मैंने पानी लगाया, इंशाल्लाह आपको जब ये कमांड बड़ा होगा तो फिर भी दिखाऊंगा, जो कुछ जिस प्रोसेस से कमांड जाएगा उस प्रोसेस से आपको मैं ये आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। ये सब मिट्टी गीली हो चुकी है, तो आप भी देख लें कि पानी खड़ा है खेत में। तो ये है जी पीटर, ये पानी खड़ा है पौधी में। ये मैं आपको आज अपना धनिया भी दिखाता हूँ। ये हमारा धनिया है, इसको भी पानी लगाया हमने। हर चीज खुश्क हो गई थी, तो यकीन माने कि जब मैंने पानी लगाया तो जमीन पानी को ऐसे चूस रही थी, आवाजें आ रही थी जैसे पानी को चूसने की आवाजें आ रही थी जमीन से। तो आज दोपहर के वक्त मैं यहां पर ही रहा और पानी लगाया खेत को, और इंशाल्लाह ताला फजले खुदा जब ये कमांड बड़ा होगा तो मैं आपको बताऊंगा, जब इसकी फसल होगी तो आपको मैं ये कमांड दिखाऊंगा बड़ा हुआ। गंदम भी तैयार है, इंशाल्लाह जब हाईवेस्टर मशीन इधर आएगी तो हम भी इधर से काट लेंगे गंदम को। तो ये है जी हमारी होदी पानी वाली, यहाँ पर पानी फेंका जाता है इसकी मदद से, फिर यहाँ से पानी निकलकर यहाँ आएगा और यहाँ से पानी जाता है खेत में। सात फूलों का बाग भी है, तो जब उस पर फूल पड़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल आज कमांड ही देखें, तो मैं नहाया भी था, बड़ा मजा आया। लोग स्विमिंग पूल में नहाते हैं लेकिन पानी ठंडा नहीं मिलता, हम इधर अपने स्विमिंग पूल में नहाए हैं। हमारा स्विमिंग पूल है जो बहुत छोटा है, हमारा स्विमिंग पूल ये है हमारी पानी वाली पौधी। तो फ्रेश पानी, ताज़ा पानी, साफ सुथरा पानी हमें मिलता है अपने स्विमिंग पूल से। जो मेरे जानने वाले हैं मैं उनको दावत देता हूं कि जब भी आए आप इस छोटे स्विमिंग पूल में नहाएं, आपको ज़रूर मज़ा आएगा और मैं भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला नहाऊंगा।
तो मैंने नहाने की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि अच्छी बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कमांड को। इन्होंने काटा है कमांड, जानवरों के लिए बहुत ही अच्छा अलग क्वालिटी का कमांड है। ये दिया गया है कमान भैंसों के लिए, ये लेके जा रहे हैं। ये सर्दी का मौसम है इसलिए ये जानवरों को डालते हैं, इसकी तस्वीर गर्म होती है। तो ये भैंसी कमांड चारा बनाकर डालते हैं, तो ये दूध, क्योंकि सर्दी में दूध कम हो जाता है ना, इसलिए ये डालते हैं तो दूध ज्यादा हो जाता है। बहुत ही लंबे लंबे गन्ने हैं। ये कमांड गुड़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। और गन्ने के रस के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो बेलने में रस निकालते हैं। बहुत ही अलग क्वालिटी का कमान। ये अच्छी कीमत मिलने पर फरोख्त किया है कमान को, तकरीबन 80,000 रुपये का कनाल दिया है इस मालिक ने जानवरों के लिए, इन लोगों को। तो उन्होंने ले लिया है, चंद दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। और दोबारा आप देख लें ज़मीन पे कि गौर से देखें, ये ज़मीन से फिर निकल रहा है। ये सफाई होगी, बाद में मज़दूर लगा के यहाँ पर सफाई हो जाएगी ना, तो फिर से इसकी गोडी होगी, फिर खाद भी डाल के, खाद DAP यूरिया और जिंक जहर करके इसको ना फिर मिट्टी चढ़ा दी जाएगी, फिर से ये इतना इतना बड़ा ही हो जाएगा। लो जी, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखो अल्लाह ताला ने इसमें कितनी ताकत डाली हुई है कि ये इधर से खेतों से खींचकर ये मेन सड़क पर जाएगा। और तकरीबन 5 किलोमीटर इन्होंने दूर जाना है, इनका घर है उधर 5 किलोमीटर, तो ये लेके जाएगा उधर। और इतना इन्होंने और डालना है इसके ऊपर, अल्लाह की कुदरत, इसमें बहुत ताकत होती है सांड में। बहुत ही बड़े बड़े गन्ने हैं। आज मौसम भी इस तरह का ही है,
सर्दी बारिश बहुत ही लुत्फंदोज हो रहे हैं हम। ये हमारे कमांद की फसल जो है ना, ये बिल्कुल सड़क के किनारे है, मेन सड़क के। ये सड़क सियालकोट को जाती है सिटी की तरफ। ये कमांद इसलिए सड़क के किनारे लगाया हुआ है कि अगर यहाँ फरोख्त ना हो तो शहर में जो लोग इसका रस निकालते हैं और फरोख्त करते हैं उनको दे दिया जाए। और ये 500 का मान यहाँ से ले के जाते हैं। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि एक मरला 272 मरबा फुट का एक मरला होता है, इसमें तकरीबन ये 14 मन 15 मन कमांद निकलता है एक मरले में। बहुत ही मुनाफा बख्श फसल है ये। तो जो यहाँ से लेके जाएंगे ज़ाहिर है वो भी मुनाफा लेंगे। तो जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, अगर कोई ज़िम्मेदार है तो ये लगाए तो उसे पता चलेगा कि कितनी कमाई है या कितना मुनाफा बख्श फसल है ये। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। इस मौसम में पानी बहुत अच्छा लगता है और इंसानों को नहीं बल्कि परिंदों को भी अच्छा लगता है। बार बार नहा रहे हैं, कभी दरख्तों पर बैठते हैं, कभी नीचे आके बैठ जाते हैं पानी में। ये दरख्तों पर देखो कितने ये काले काले आपको जो नज़र आ रहे हैं ना, ये कवे हैं, नहा रहे हैं पानी में, बहुत खुशियां मना रहे हैं। आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी इनकी, ऐसे लगता है कि जैसे पानी है उन्होंने पहली दफ़ा देखा है। तो हालांकि ये साथ मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि साथ वाले ये हमारे जो है ना वो एक नाला है, मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। ये नाला है, चिड़िया काली चिड़िया फुल एंजॉय कर रही है। ये जो कैमरा आपको दिखा रहा है ना, ये नाला है, साफ सुथरा नाला है। ये ज़मीन से भी पानी आता है और ये चनाब की एक शाख है। तो शाम का वक्त है, ये हमारे साथ फूलों का बाग भी है, फूल गुलाब है इधर। इंशाल्लाह शाम तक पानी फसल को लग जाएगा। देखिए कैसे खुशियां मना रहे हैं ये कवे। मेरे साथ कोई वीडियो बनाने वाला नहीं क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको भी आपके लिए भी ये बना रहा हूँ वीडियो। ये कमान नज़र आ रहा है, ये कुछ अगाव हो गया है इसका कमान का, और जो रह जाएगा इंशाल्लाह वो एक दो दिन तक बाहर आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जगह नरम हो जाएगी और इसके जो पौधा है वो बाहर आ जाएगा। और अल्लाह की कुदरत, देखें
के परिंदे नहा रहे हैं। और थोड़ा सा पानी रह गया इसलिए मुझे भी जल्दी या शाम का वक्त होने को है। आपको मैं सूरज भी दिखाता हूँ। सूरज की तरफ कैमरा का मुँह, ये सामने सूरज, ये देखे सूरज, ये टावर है जी। इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता ये क्या है, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला होते हैं। आम के दरख्त, आम के बगीचे, शाम का वक्त, गंदम भी तकरीबन एक माह बाद पक जाएगी और यह हरियाली आपको नज़र नहीं आएगी। चंद दिन की मेहमान है। यकीन करें मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है परिंदों को देख देख के। मैंने एक चक्कर लगाया, मैं आपके लिए घूमा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ सारा कुछ। ये परिंदे आ गए जी। खा देना ए सोना यूरिया दे ए बुरन परलांग दे, ये महंगिया इनिया ने डी ए पी खाद जी है, सोना डी ए पी खाद 15,000 रुपये का तोड़ा है, जरा अं नहीं पा सकते, जिम्मेदार अफोर्ड नहीं कर सकते, तो घूमत ना हिली है, बगैती है। कम से कम जिमीदारों लिए तो कोई रिलीफ होना चाहिए ना, कि जिन्होंने कमा के इस खेत में फसल उगा के इन्होंने लोगों लिए उगाना है। क्या देखो सोना यूरिया भी 3,000 रुपये का, 3,000 रुपये का ये मजबूरी का ना शुक्रिया। देखिए तुम ए खाद इनू असं लाने पे हाँ, ये बिच सुटनी है ना, तो मिक्स चंगी हो जाएगी, दो एक मिक्स करके तो मजबूरी के तहत ही पा रहे हैं, क्योंकि असल जी है ना डी ए पी खाद होंगी है सोना डी ए पी, ये जी है ये तो दो नंबर खादा ने जड़िया पा रहे हैं। पाकिस्तानी खादा ने, पाकिस्तानी खाद ना दो नंबर हो फिर पाकिस्तान के ना हो गुस्से नाल ते अपना गिला कर रहे हैं, तो दो नंबर काम पाकिस्तान च ना हो फिर पाकिस्तान के ना हो पहचान हो गई जी। देख लो थोड़े सामने आए पक गए ओए, मैं मोह पता क्यों लाया, भिज गई ही तो यह खाद में भिजिए तो घुल जाती है, फिर जरा ना घुली हुई खाद तो नहीं ना घुलती खिलरती। हूँ मैं खाद लगा खिलान तो तुम्हें देखना इंशाल्लाह ताला खाद किस तरह खिलरती है, भी खाद लगे रहे खिलान।
अब्दुल वहाब भी खा सुटता पाया। तुसी देख रहे हो कि अब्दुल वहाब खा सुट रहे हैं। मैं थक गया तो अब्दुल वहाब भी खाद जिहड़ा ना वो कहिंदा पापा मैं सुटना, तो मैं हाँ पुत्र तुम ही सुट, जाहिर है सुटेगा तो इहनू जाच आएगी ना। तो बिच पानी दे बिच खोबा, खोबा समझते हो ना, चिक्कड़ जिसको हम कीचड़ बोलते हैं उर्दू में। तो एडा सौखा काम नहीं, बार बार मैं तुहानू कह रहा औखा काम, पानी बिच गर्मी है ते नाल साडे सब्जी भी है लगी दी। तुहानू वादा किया कि अभी तुहानू दिखावांगे इंशाला, नैक्सट वीडियो जिहड़ी है ना वो तुहानू एहो ही आएगी। सब्जी वाली करेले पे देने, कद्दू पे देने नाल अब्दुल वहाब दे पहाड़ वाले पासे। हुण असीं दूसरे खेत च चले हां सुट्टण, हुण दूए खेत च सुट्टण लगे इंशाअल्लाह। असीं दूसरे खेत च शुरू हो गए हां, साडे मसाए भी लगे दे ने अब्दुल वहाब खाद नू खिलारदा पिया जनाब, ते बड़े जोर नाल जोर लगदा पिया थले जेड़ा ना गारा है। क्यारा छोटा ते ओ किथे छप गया है, शाबाश। आहा जी मूवी बंदी की आहो जी, दादियां मावां नूं दिखाइए तो बड़ियां खुश होंदियां ने, नाना भी बड़ा खुश होंदा जी देख के, आंदा जी नाना। आहो जी दोरी खिलार ले, शाबाश शाबाश भाई जाने यार शाबाश, अगां हो अगां थोड़ी जी लो जी। अब्दुल वहाब खाद खिलार के वापस आ गया, शाम का वक्त है तो बड़ा हसीन मौसम है, तो तुसी भी देख लो, तुसी भी इंजॉय कर लो। तो धूप है, छाऊ है, बजवाद का इस्लामाबाद ही समझ लो, तो सामने जैंतरी है, मूं
मुंजी चावल मुंजी चावल एक ही गल होंगी है। तो यह देखो कि खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत ये हमारा डेरा पहले भी आप देख चुके हैं। ये जी हमारे साथ सड़क भी है। आदि पंजाबी आदि उर्दू सूरज भी चमकदा पिया। फिर दोबारा कुदरती हसीन लम्हात नू कैच कर दिया मोबाइल वीडियो बना रहा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा अज असी पीटर दा तेल चेंज कर लगे हाँ। वो तुहानू दसांगे अब्दुल वहाब नू मैं घले दा सी वो तेल लै के आया पेट्रोल पंप तू। तो यह कुछ उन्हें तोड़े भी फड़े देने ऐसी भर के ते रखने ने पानी सानू कुदरती तौर पर भी मिलता है। असी उन्हें जहीरा करना उन्हें ढकना तो यह फड़ के ते लै के आया। तो अब्दुल वहाब चलीए जाके ते जड़ा ना वो पानी बनिए ते पीटर का तेल चेंज करिए। अच्छा जी अब्दुल वहाब जा रहा है पीटर की तरफ और जिते पानी असी जखीरा करना उधरी तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह तुहानू दस्या कि इंशाल्लाह तुहानू दसांगे। तो पनीरी भी तुसी देख दे पे हो कि छोटी छोटी है। पनीरी लाए दे हां तकरीबन तो 15-15 दिन हो गए ने ते एरी सफाई सुथराई हो रही है। एरे विच ताल तूल असी कर रहे हां। ते व्यूअर्स देखो जी अहीं पीटर चला रहे हैं ते पानी बड़ी स्पीड नाल आ रहा है। बड़ी स्पीड नाल पानी आंदा पिया। पानी पुज गया व्यूअर्स ते जेड़े मैं तोड़े लैके आया हाँ वो अही हूँ तुहानू दस्या ही कि तोड़े पड़ के लाने ने बन्ने ते अजे पहली दा बड़ हुंदा ना उहनू बन्ना कहा जांदा है। ते आ हुण अहीं लाए ने तुहानू दस्सने आ जिहड़े लाए ने आ देखो जी आ अहीं तोड़े पड़ के लाए ने। ये तुहानू मैं दिखाना कि तोड़ियां दे थल्लों भी पानी लंघदा पिया। ये आ देखो जी आ नामुमकिन जिहा ही पानी रोकना ये बड़ी मुश्किल नाल असीं जिहड़ा ना तोड़े भर के लाए ने इत्थे होर भी तुहानू दिखाने आ। आ देखो जी इत्थों भी पानी बार्डर क्रॉस कर गया। ते नाले एक होर गल मेरे पापा कह रहे हन कि तुसीं दसना हुण सानू कि पापा मेरे तुहानू पता पापा ने वीडियो बनानी होंदियां ने। मैं ते जरा स्कूल हुंना मेरी ते पढ़ाई चलदी पई आ ते तुसीं दसो फिर सानू कि सानू पापा मेरे पंजाबी च बोलना चाहिदा या उर्दू च। तुसीं लाजमी कमेंट करना ते भुलना नहीं
तुम कमेंट करना तो अं हूँ फिर चूस करना है कि जबान बोली जाए। तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल ने जी? ठीक हो? कैसे मिजाज हैं? तुसी देख रहे हो कि मैं चावल दे फसल दे विचों इहदी ताल कर रहा, तो इहदा ताल करन दा मकसद ये वे कि जिहड़ा फसल जिहड़ी खाद दा असर जहर दा असर या जिहड़ी बुआई हुई हुंदी है उहदा असर यह चीज़ां जिहड़ियां खिंच लैंदियां ने इहनू, एक तो पौधे नूं गोडी हो जाती है, एक जिहड़ा है ना वह सफाई सुथराई हो जाती है, फसल जिहड़ा ना वह सही होंदा। तो यह जिहड़ा ना एरी सफाई, देखो अजकल जदीद दौर है तो असीं लोग तुसीं कह रहे होवोगे कि ये कि जदीद दौर विच भी तालां करन लगे ने, लेकिन साढ़े पुराने बजुर्ग ये कहिंदे सन ताल जिहड़ी है ये गोडी हुंदी है, चावल दे फसल दी ताल जिहड़ी है ये गोडी हुंदी है, यह करनी बड़ी जरूरी हुंदी है। तुसी कुछ ना करो तो उंज फसल दे विचों जिहड़ा ना इहदा जाला जूला जिहड़ा हुंदा इहदे विच उह भन छड़ो तो बड़ा फसल होएगा। तो यह देखो ना तुसी, अगर वाह कोल करके दसी तो देखो यह गोडी हो गई एक किस्म की, तो यह जिहड़ा ना करनी बड़ी जरूरी है। तो स्प्रे भी करांगे इंशाअल्लाह ताला, असी स्प्रे भी करनी है, तो यह गोडी भी असी करने पे हाँ। यह जिहड़ी है ना ताल, इहनू असी तो ताल बोलने, तुसी पता नहीं की बोलते हो, तो घा दी छंड भी बोलते ने इहनू असी कर रहे हैं। इंशाला कर रहे हैं, सवेरे सवेरे तो टाइम से गर्मी भी वाहवा हो गई है, तुसी मेरी हालत देख रहे हो कि जो सूरत हाल हो गई है। तो सारे नाल नाल असी दसने कि चावल का फसल किस तरह होंगे, तो बड़ा मुश्किल तरीन फसल है क्योंकि बीमारियां भी बड़िया लगनी है, जिंक जहर पोटाश यूरिया डी ए पी यू पाना पैंता है, फिर जिहड़ा ना ये जाके तो फिर फल वाली स्प्रे करके फिर जिहड़ा ना फसल तैयार इंशाअल्लाह होंगे। तो खाद पाते भी तुहानू दसांगे, जिस तरह मरहला गुजरता असी तुहानू जिहड़ा ना इहदे नाल दसी जांगे। क्योंकि एडा लम्मा चौड़ा तुहाडे कोल भी टाइम नहीं हुंदा, साडा मकसद है कि तुहानू तुहाडी एंटरटेनमेंट करना। देखो किड्डा किड्डा घा है, साडा मकसद है कि तुहानू दसना कि चावल का फसल ताकि साडी वीडियो जिहड़े ना लोग शहरां 'च भी देखते हैं पिंडां 'च भी देखते हैं। चिड़िया चुड़िया सवेरे सवेरे चेचे आ रही ने दरख्तां ते, चिड़िया दी आवाज़ां, बड़ा खूबसूरत जिहा माहौल हुंदा पिंड दा सवेरे सवेरे, जिहड़ा ना बड़ा प्यारा माहौल हुंदा सवेरे सवेरे जी पिंडां दा, उंझ बड़ा खूबसूरत माहौल हुंदा। साफ लगा कर घाह कढ़ना बड़ा जरूरी है, यह घाह मेहनत जरूर है, जो पढ़े लिखे लोग ने या जो लोग ने समझते हैं कि यार अजकल जदीद दौर है, फिर गल उ आ गई, लेकिन
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਤਾਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੀ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾੜਨੀ, ਸਪਰੇਅ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚਾੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢ ਤੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਾਦ ਖੂਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵਿਵਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੱਸ ਛੜੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਦਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕੋਠੀ ਨੁਮਾ ਅਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਛੱਪੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਟਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸੁੱਕੇ ਥਾਂ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਬਚੀ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਰੂਦ ਦੇ ਜਨਾਬ ਫਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਰੂਦ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ, ਗਗਰੇ ਗੁਗਰੇ ਖਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਗਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੁਬਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉੱਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਜੀ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਜ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਲਾ ਹੋਈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵੀਵਰਸ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਥਾ ਮੱਛਲੀਓਂ ਕੋ ਖਾਣਾ ਡਾਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਇੱਧਰ ਬੈਂਸੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਇਹ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ। ਇਹ ਛਲਾਂਗੇ ਲਗਾਤੀ ਹੋਈ ਬੈਂਸੇ ਉੱਧਰ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਯਹਾਂ ਇਨ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਗਾਓਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬੈਂਸੋਂ ਕੋ ਨਹਿਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਬੈਂਸੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ।
यहाँ पर ये पानी मिला के तो वैसे बाबा जी जाएंगे। वैसे पानी तकरीबन थोड़ा थोड़ा सा गंदा हो गया है, बारिश कम हुई है, बहुत दिन हो गए हैं बारिश हुए तो ये पानी गंदा हो गया है। भैंस को नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि गंदा हो गया है पानी, साफ सुथरा पानी पिलाना चाहिए क्योंकि इनका दूध भी इंसानों ने पीना होता है। देखिए कैसे बहुत मस्ती से नहा रहे हैं और इनके रखवाले भी। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं मछली को खाना डालने के लिए भी आया था और साथ में मैं घर का कूड़ा जो होता है कूड़ा करकट वो साथ लेके आया था। इधर डालता हूँ क्योंकि मैंने अक्सर देखा है गली महलों में कि औरतें गली नालों में, गली जो महल्ले की नालियाँ होती हैं उसमें फेंक देती हैं या उसमें बहा देती हैं, लेकिन ये इखलाकियात के मुनाफी है ये काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी एक अच्छी कौम होने का सबूत दें, अच्छा शहरी होने का सबूत दें, अपनी गली मोहल्लों को साफ सुथरा रखें। मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं 1 किलोमीटर तकरीबन ये कूड़ा लेके आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ जो मैंने फेंका है तो इधर ही मेरे मैं फेंकता हूँ। ये जी ये कूड़ा है जो मैंने घर से लेके आया हूँ, ये कूड़ा जी ये मैं, क्योंकि ये शापर शुपर जब गली और नाली में बहाए जाएं तो ये गली नहालों में रुकावट पैदा करते हैं, सीवरेज के निज़ाम को क्रश करते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। इसलिए हर इंसान को जो अच्छी सोच रखनी चाहिए गली मोहल्लों में कूड़ा करकट डालना चाहिए। कहीं जगह अगर कोई शहर में रहता है तो वो जहाँ कूड़ा करकट की जगह मखसूस होती है वहाँ फेंके, अगर कोई गांव में रहता है तो जहाँ जगह मखसूस है गांव में ढेर लगे होते हैं वहाँ फेंके। इस तरह नहीं कि गली नाली में बहा दिया जाए, शापर फिर गंदगी का सबब पैदा करते हैं। तो मेरा बताने का मकसद आपकी इस्लाह करना है। आज हम पनीरी बीज रहे हैं तो दलवहाब पनीरी बीजने के लिए खेत को मार्क कर रहा है कि जहाँ पर पानी न जाए वहाँ पर पानी चढ़ा रहा है। इससे कीड़े मकोड़े नहीं लगते, अगर ये ना डाला जाए तो आधा बीज जो है वो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। अब्दुल वहाब अब जहर डाल, अब्दुल वहाब जहर को कर रहा है जमीन में डाल रहा है। अब मैं बीज को जमीन पर डालूंगा, ये देखें बीज का जो है वो पौधे छोटे छोटे निकले हुए हैं, जड़ पकड़ गया है तो इसको ज़मीन में ऐसे जो है ना फेंकते हैं। आप देखें ये है बीज, दादा इसको ना 2-3 दिन पानी में रखा जाता है ऐसे ही, बस पानी का छिड़काव ऊपर हो तो ये रखा जाता है। बस आगे अंदर भरा आप। Thank you.
वाला खेत में अब मैं डाल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अब तो वहाँ जो हो रहा है ना, इसलिए मैंने इसको ये हमने पनीरी, चावल की पनीरी जो है आपसे वादा किया था कि जब जब वक़्त गुजरता जाएगा हम आपको पनीरी भी दिखाएंगे। ये तकरीबन 7 दिन हो गए हैं इसको लगाए हुए पनीरी को, तो आप को मैंने पहले भी आपको दिखाया था जब हमने बीजी थी अब्दुल वहाब और मैंने, तो आज 7 दिन हो गए हैं ये पनीरी को बीज को खेत में डाले हुए, तो आप देखें कि ये सरसब्ज होना शुरू हो गई है। ये देखें मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखें ये करीब से, ये देखें ये मेरे हाथ मिट्टी से सफेद हुए हैं, मैंने कुछ काम किया है इसलिए ये मेरे हाथ भी मिट्टी से। मकसद ये है कि मैंने आपको पनीरी बीजने का तरीका, अगर आप कोई शहरी हैं तो आपको पता चले कि ये देहातों में चावल कैसे उगाए जाते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको पूरा प्रोसेस ऐसे ही दिखाऊंगा। ये पनीरी 7 दिन की इतनी हुई है, तो जब ये ज़्यादा 15 दिन की होगी या ये तकरीबन 1 माह की पनीरी जो होती है लगाने वाली हो जाती है। तो आज काफ़ी मौसम गर्म, तो ये इसको ऐसे लगाते हैं पनीरी को कि जब इसको सुबह पानी डालते हैं खेत में और शाम को इसको पानी जो है वो निकालते हैं, सुबह डालते हैं शाम को खेत से पानी निकालना ज़रूरी होता है क्योंकि ये नाजुक पौधा होता है, ये ख़त्म हो जाता है पानी से। पानी तो हर चीज़ को ख़त्म कर देता है ना, आपको पता ही है जो जब चीज़ को डूब जाए पानी में तो ख़त्म हो जाती है। तो सुबह पानी डालते हैं शाम को इसमें निकालना होता है, मैं निकाल लेता हूँ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मौसम बरसात की पहली बारिश और बहुत ही, पहले भी बारिशें हुई हैं लेकिन बहुत ही कम आस्ता आस्ता, लेकिन आज तो अल्लाह ताला ने बराने रहमत की आखिर कर दी है। तो देखें बहुत ही खूबसूरत खेतों में पानी ही पानी नज़र आ रहा है। तो मैंने सुबह सुबह आके पीटर चलाया था कि पानी भर लें खेतों में, तो अल्लाह ताला ने आज कहा कि आज मैं भरूंगा पानी, और आपने देखा कि हर तरफ ही पानी अल्लाह ताला ने भर दिया है। अल्लाह ताला की ज़ात पाक ही सब निज़ाम चलाती है। देखें कि हर दुनिया का काम अपने वक्त पर हो रहा है लेकिन बारिशें भी हो रही हैं। यकीन करें कि डीज़ल बहुत ही महंगा है, 300 रुपये लीटर तक डीज़ल फरोख्त हो रहा है, और इतना पानी जो अल्लाह ताला ने बरसा दिया है ये
आम इंसान ट्यूबवेल से नहीं निकाल सकता, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और आप देखें कि बहुत ही खूबसूरत मंजर, और ये मैं अपने डेरे पर खड़ा होकर ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो अकेला ही मैं हूँ इधर, क्योंकि ये पनीरी को लगाने वाले बागे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है, जब बारिश हो रही हो तो कोई भी काम नहीं हो सकता। और उन्होंने यह फैसला किया कि हम शाम के वक्त जब ये बारिश जब ख़त्म होगी तो हम वापस आ जाएंगे। तो इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, इधर भी बारिश ही बारिश, ये देखें, और बारिश, हवा अब आने लगी है ठंडी ठंडी, लगता है बारिश कम, जब हवा आ जाए तो बारिश कम होने के चांस होते हैं। ये जी करीब से देखें कि बारिश, और मैं जहां खड़ा हूं वहां पर भी बारिश हो रही है। मैं आपको वो दिखाता हूं कि जहां मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूं वहां भी बारिश हो रही है। वो कैसे हो रही है मैं आपको बताता हूं कि किसी भी चीज की जब रखवाली ना हो, उसकी रखवाली ना हो तो वो ऐसे ही टपकती है। ये देखें छत हमारी टपक रही है, हमारे डेरे की छत, ये देखें कैसे सारा पानी पर नाला बना हुआ है इधर, तो बारिश नीचे भी हो रही है और कुछ जगह खाली है जहां पर मैं खड़ा हूं, अपने आप को सेफ महसूस कर रहा हूं। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूं इस डेरे के मतलब। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देखें सुबह सुबह का टाइम है और रात के तकरीबन 12 बजे से ये बारिश शुरू है और बहुत ही स्पीड से बारिश हो रही है, और ये हर तरफ पानी का जलथल जलथल है। तो आप देखें कि पानी कैसे आ रहा है, और ये जो पैली के बॉर्डर होती है, बन्ने होते हैं पंजाबी में, तो उसने तोड़ दिए पानी ने। ये देखें, ये आपको खड्डा नज़र आ रहा है जहाँ मेरा कैमरा है, ये देखें सामने, और ये देखें पानी, ये देखें जी पानी, हर तरफ पानी ही पुरानी बरान रहमत। और यहाँ पर मज़ेदारी की बात है, यहाँ पर चावल का फसल लगी हुई है, तो कोई बात नहीं, ये पानी एक घंटे के लिए है, ये तो चला जाएगा। हर तरफ पानी ही पानी, बरसात में तकरीबन ये दूसरी बारिश है जो इतनी शिद्दत से हुई है। ये सामने कमान देखें, कमान में भी तकरीबन पानी खड़ा हो गया है, वो मेरी पनीरी वाली जगह भी है, आप देख सकते हैं।
तो ये जब बारिश रुकेगी तो फिर हम ये पहली के खेत के जो बॉर्डर है बनने हैं ये हम इसको बांध सकेंगे। अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी ज़्यादा पानी आ रहा है तो ये हम नहीं क्लोज कर सकते, इसको नहीं रोक सकते। तो हल्की हल्की हवा चल रही है, इसकी निशानी है कि ये अब रुकने को है क्योंकि बारिश 12 बजे के बाद से शुरू है। ये जी, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये ठारा है, तो ये देखें जी पानी ने तबाही मचा रखी है, ये टूट गए हैं सब कुछ। तो मैं इधर आया था सुबह सुबह के देखूं कि बारिश हुई है तो फसल को नुकसान तो नहीं, तो नुकसान तो खैर नहीं होगा, लेकिन ये बन्ने बांधने होते हैं, ये अब मुझे मुसीबत करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है कोई भी काम करे मेहनत तो करनी पड़ती है। जल थल जल थल। हर तरफ हरियाली ही हरियाली, पानी ही पानी। राज मैं आपको नजदीक से भी कुछ दिखाता हूँ। तो ये देखें इधर भी पानी, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। हमारे खेतों के एक साइड पे ये नाला गुजरता है, ये साफ सुथरा नाला है कि आप ये ना समझे कि ये गंदा पानी है, ये गंदा पानी नहीं है, ये साफ सुथरा पानी है। ये नाला इंडिया से आता है, इंडिया भारत से, और हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ये नाला जो है वो इधर इनका शहर है जम्मू के साथ अखनूर, और ये दरे चिनाब की एक शाख है। तो वैसे मैं भी बॉर्डर पर बहुत दफ़ा गया हूँ, से जहाँ से ये इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होता है तो उस जगह पे अभी मैं गया हूँ। तो क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी के मामला होते हैं, वो वीडियो नहीं बनाने देते, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो इसमें मछलियाँ भी होती हैं, और आपको पता है कि सांप तो हर जगह मौजूद होते हैं। तो ये नीचे इसके पत्थर भी हैं छोटे छोटे, तो देखिए कुदरत की करिश्मा के हम जब से पैदा हुए साल के लगभग हमारी उम्र हो गई है, और हम इसको इस तरह ही चलते देखा है, हमने तकरीबन रोजाना देखते हैं तो इस तरह ही देखा है इसको चलते। लेकिन इस इतना पानी तो हर वक्त रहता है, तो जब बरसात का मौसम होता है तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो आपको काने नजर आ रहे हैं ये इस साइड से, और क्योंकि मैं
इधर खड़ा हूँ ना जरा नीचे वाली साइड पे, तो ये तकरीबन बराबर होता है इधर पानी, क्योंकि वो इधर हमने इसकी जो है ना वो बनाई हुई है, पानी ने तो इधर ही जाना है, मगरब की जानब, शुमाल जनूब की जानब, कभी आप शुमाल की जानब पानी को नहीं जाता देखेंगे, ये रब की कुदरत है। खूबसूरत मंजर है ये, बहुत ही मुझे लुत्फ आता है, मैं तकरीबन रोजाना इधर आता हूँ, तो क्योंकि हमारे साथ खेत हैं तो वो इधर से पानी पूनी आप समझते हैं सब कुछ ये पानी पूनी यूज करना होता है तो इधर से ही हम लेते हैं। तो मैंने कहा कि आपको भी दिखा देता हूँ, ये साफ ये जहन में रखना है कि ये साफ सुथरा पानी है, ये जो है ना ये देखें मैं साइड पे ये पानी के बीच में जा रहा हूँ, आपको आवाज भी आ रही होगी, पैर स्पीड से पानी है, देखेंगे मल खाता हुआ नाला इधर चला जाता है कभी इधर चला जाता है। तो हाँ एक दफा मैंने तकरीबन ये सब एक साइड से हम चले थे, तो जहाँ तक हमारे गांव की हदूद है वहाँ तक हम इस नाले को हमने इसके दरमियान में चल चल के ना उसको अबूर किया, ये देखें इधर से आ रहा है पानी, तो पत्थर है नीचे पानी जो है ना चला नहीं जाता है नीचे, क्योंकि ये पानी गुजर गुजर के ना ये जो बहुत ही मुलायम हो चुके हैं पत्थर, तो इससे इसके ऊपर चला नहीं जाता। देखते आ रहे हैं वो ऐसे ही गुजर रहे हैं, ऐसे ही गुजर रहा देता, वो भी आम के तकरीबन बगीचा है, बहुत ही मजेदार आम है इसके। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां से मैं गुजर रहा था पानी में, ये देख लें अब मैं ऊंची जगह पे खड़ा हूँ, पानी नीचे से गुजर रहा है, बर्तनों के साथ पानी लगा लेते हैं, इधर बीटर पूटर कोई नहीं लगा।
आप देख रहे हैं कि जानवरों को नहलाया जा रहा है। गर्मी है, मोटर की आवाज़ भी आ रही होगी आपको चलने की। तो ये जानवर धूप के बचाव से इस पर शेड डाला हुआ है, तो जानवरों को नहलाया जा रहा है। अब एक को नहला दिया गया है, अब दूसरों की बारी है। ये जी बकरियां भी हैं इधर, ये मज़े कर रही हैं बकरियां, फुल एंजॉय हो रहा है। ये बकरियां जी, और ये बाहर की तरफ देख रही है, बाहर का माहौल देख रही है। कोई चीज़ भी खा रही है, तो लगता है कोई मज़ेदार चीज़ खा रही है। और देखें आप, ये देखें कि कैसा शरारती माल होता है, ये कैसे शरारती जानवर होते हैं। ये खड़ी किस पे है आपने देखना है गौर से, ये देखें, ये जिसके साथ इसको बांधा है ना रस्सी को, उस पे खड़ी है ये, ये देखें। और खड़ी होके ये बाहर का नज़ारा कर रही है, दीवार के बाहर देख रही है। तो ये कैसा शरारती है, ये कह रहा है ऐसा शरारती जानवर होता है कि ये कोई खड़ी होने वाली जगह है जहाँ ये खड़ी है। तो ये भी है, तो बहुत ही मज़ेदार सीन जो ये खड़ी है। सुबह सुबह मैं आपको ये दिखा रहा हूँ हवेली जानवरों की, हम अपने खेतों के, ये हमारे खेतों के करीब है ये। ये दूसरी आज साहब ने भैंस लेके आए हैं, आज साहब इसको नहलाने के लिए। पानी भी पी रहे हैं, नहा भी रहे हैं। तो ये है जी हवेली, ये है जी चारा। सुबह सुबह देख लें कि हमारे ज़िम्मेदार लोग, इनके उठने की रूटीन क्या है, जागने की, नींद से बेदार हो के सुबह उठने की रूटीन क्या है। ये है जी सुबह सुबह इन्होंने चारा भी बना लिया है ये जानवरों के लिए। तो मैं आपको एक नया मेहमान की तरफ भी लेके आऊँगा। ये है जी चारा, ये चारा बनाने वाली मशीन है, तो मैं ये आपको चला के भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये देखा जी मैंने ये चलाई है। तो ये नया मेहमान है जी, ये दो दिन का ये बछड़ा है जी, बहुत ही खूबसूरत। देखिए कैसा ये रंग है, अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत बनाया है इसको, माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, तो बहुत ही खूबसूरत बनाने वाले, क्या बात है तेरी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।
शलजम का खेत। अब इनका मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी ये बगैर मौसमी शलजम जमीन पर उगे हैं। आप भी देख लें बगैर मौसम के शलजम, पंजाबी में से घुंगरू बोलते हैं, पालक और शलजम। बहुत ही मज़ेदार इनका सालन बनता है शलजम का। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ शलजम। आपको बारिश हुई थी बहुत ज्यादा, लेकिन उन्होंने पानी भी खड़ा हुआ क्योंकि बारिश को काफी देर हुए हैं। मौसम काफी सर्द है, चेंज भी हुआ है। बिल्कुल प्यार फसल है, रेडी वाले लेके जाएंगे या ये मंडी रोक होगा। तो बहुत ज्यादा फसल है, इसको मंडी लेके जाके रोक किया जाएगा। ये सामने आम के दरख्त हैं, बहुत ही नस्ल के आम, आला नस्ल के। करीब से दिखाता हूँ आम का बाग, शलजम। ये सामने सूखे भी हैं, ये जानवरों के लिए पराली चारा। मौसम भी आज बारिश का है। ये है जी बंदे ने इधर कट्टे पाले हुए, ये तकरीबन 20 कट्टे हैं। और ये पिज़्ज़ा शॉप है जी इधर, ये BFC का जहाँ फ्री आई कैंप चल रहा है। कल इन्होंने 200 पेशेंट अपडेट किया था, तो उम्मीद है कि आज भी 200 पेशेंट अपडेट होगा। यहाँ पर अगर आप सियालकोट सिटी में एक ऑपरेशन करवाएं तो तकरीबन 40,000 रुपये खर्च आता है। यहाँ पर ये सब कुछ फ्री है, 200 ऑपरेशन का अपडेट हुआ और इसकी जो रकम है जो पैसे है वो एक UK का आदमी है जो बच्चों की सीखा साबित हो रहा है। UK का रहायशी है, I'm
1000 रुपये का खर्चा है, एक डॉक्टर और वो आदमी जो डोनेट कर रहा है कम म्यारी हो रहा है। पैदा किया वो जिसने पैदा किया है ना, वो जो सेहत भी देता है, मौसम बारिश का है, ठंडा ठंडा मौसम, सर्दी है। तकरीबन रात को ओले भी पड़े थे इधर बजुआत में, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैकुम। आज मैं तुहाडे नाल पंजाबी च गल करांगा क्योंकि साड़ी जबान मादरी जबान पंजाबी है, तो जाहर है असी सारी दिहाड़ी पंजाबी च गल्ला करते रहने हैं, तो जिसले उर्दू बोलीए तो फिर वो सानू तकलीफ भी होंदी है। पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं जी। अब्दुल वहाब फरवरी का महीना है, दरख्त लाने का महीना है फरवरी, जिन्हों असी मौसम बहार कहने हैं। तुसी देखते पे हो हर तरफ हरियाली है, दरख्त पुंगरदे ने, ते अजकल बूटे भी जड़े ने ना वो लगते हैं। अब्दुल वहाब बूटे लाने लई टोए कटदा पिया, ते हर साल तकरीबन असी इत्थे बूटे लाने हैं, ते असी मरूदा के बूटे थोड़े घने हो गए हैं, ते इनू असी जड़ा ना वढ़ के नवे बूटे लकाठां दा बाग तैयार करन लगे हैं, क्योंकि मरूद काफ़ी एज दे हो गए हैं, तो मरूद सही नहीं होना। तो पहले यह देखा ना कि असी पुराने लकाठ अब्दुल वहाब ने लगाए थे तैयार हो रहे, देखो बूटा तैयार है, अब्दुल वहाब ने लाया सी। ए भी बूटा जे ए भी देख लो तुसी कि ए भी बूटा तैयार हो गया, अल्लाह दा फज़ल है। इन्हां ते लपाट भी पे दे ने, तुहानूं शायद नज़र आते पे ने कि नहीं आते पे। अब्दुल वहाब इनू किन्ना क डूंगा करना पिया, फुट ज्यादा नहीं हो जाएगा यार, थोड़ा कम रख ला। अब्दुल वहाब टोए कटदा पिया जी बूटे लाने, कम से कम इन्हें 10 बूटे लाने ने, ते हर बंदे नूं बहार दे विच जिहड़ा ना बूटे लाने चाहिए ने, क्योंकि ये सदका जारिया भी है। खुद तो जिहड़े खाने खाने होंदे ने फल, लेकिन अब कि आबोहवा लई भी है जिहड़ा ना बड़ा तुहानूं पता सदका जारिया है। लो ऐसी बूटे वढ़ने जरूर आ लेकिन लाते नहीं, साडी इक आदत है कि असीं बूटे लाने, हर साल असीं 8-10 बूटे जिहड़े ने ना
उगाने होंगे ने, ए नहीं कि ला के तो बस ठीक है, नहीं असी उगाने होंगे ने। लो जी अब्दुल वहाब ने जो पहला टोए कड़े ने वह भी मैं तुम्हें दिखाना, तो जो पहला बूटे लाए देने या उन्हें जो लाने ने वह भी मैं तुम्हें दिखाना, तो या जितों बूटे लिया के लाने ने वह भी तुम्हें मैं दिखावगा। यह जी है पुराना बूटा जी पिछले साल का उगे का, ये इतने बूटा जाया हो गया सी, नहीं जड़ा ना चलिया, यह फिर अब्दुल वहाब ने तो टोआ मारिया। जी पुराने बूटे ने जो पिछले साल के लगे थे, यह उस तो पिछले साल के लगे थे, असं मरूदा जामुन का दरख्त है इन्हू खत्म कर दिया क्योंकि असं नकाट चाहिए ने। जी टोए अंदर भाव ने जो कटे ने, जी एक टोआ अब्दुल वहाब टोए कटदा पै जे तकरीबन 10 बूटे लाने जे अब्दुल वहाब ने, अमरूद भी इसे चाल ही लाए हैं इन्हें, इन्हू बड़ा शौक है, मैनु भी शौक है, इन्हू भी बड़ा शौक है बूटे लाने का। इन्हें देख लो अमरूद कोई इन्हें ताए ने लाए हैं तो कोई इन्हें लाए हैं, अमरूद भी बड़े खाते ने, बड़ा मजेदार फल है, लेकिन हुण असीं जिहड़ा इन्हां नूं खत्म कर रहे हैं क्योंकि पुराने हो गए ने, नहीं मजेदार नहीं। ਇਹ ਜੀ ਡੇਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਰੱਖੇ ਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਛੜੇ, ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਬਾਗ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੂਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੂਟੇ ਲਾਓ, ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 8-10 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੂਟਾ ਲਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਬੂਟੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਬੂਟੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਬੂਟੇ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਗਾਚੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਗਾਚੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਗਾਠਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਗ, thank you.
दस बारह बूटे अब्दुल वहाब ने हर साल लगाने होंगे ने मैं खसूसी प्रबंद किया अब्दुल वहाब ने कि बाबा जी आज बूटे लाने ने कि मैं तुहानू पहला भी किया ही कि असी जैसे जितों लिया वो भी तुहानू दसांगे ते मैं हुण जिहड़े टोयां दे विच लाउण लगा वो भी मैं तुहानू दसांगा कि किस तरह इह लाउंदा मैनूं तजर्बा बूटे लाउण दा हर साल लाउंदा है ना लम्मी वीडियो हो जाए तो फिर भी जाहिर इन्ना टाइम नहीं होंदा किसी कोल तो मेरी कोशिश होंदी है कि घट तो घट जिहड़े ना छोटी तो छोटी वीडियो बनाओ लो जी एक बूटा लग गया हुण दूसरा लाउण चला जी अलैकुम अज तुहानू मैं उस सब्जी विच लैके आया कि जिहदे नाल छोटी छोटी तुहानू मैं दिखाई ही तो हुण माशाल्लाह वड्डी हो गई है तो इहदे नालों फल भी उतर रहा है यह भिंडियां मैं तुहानू दिखा रहा इस वेले जिहड़ी तुसीं जो कुछ देख रहे हो ना यह भिंडियां ने यह सामने लाइन जिहड़ी है ये भिंडियां दी है तो यह भिंडियां उतरदिया भी पईआं ने असीं फरोख्त करने आ सड़क दे उत्ते रेहड़ी लाई दी है तो वो फरोख्त भी करने आ नवें बूटे ने भिंडियां दे ते यह खीरा जे यह हुण जिथे कैमरा वज रहा है यह खीरे जे यह लाइन जिहड़ी है यह खीरियां दी जे खीरे भी उतर रहे ने वह भी तुहानूं मैं दिखावांगा कि कित्थे असीं फरोख्त करने आ इन्हां नूं ए देखो ना ए खीरिया दिया वेल्ला असी उत्ते चढ़ाई दी ने इना ते लकड़िया दे खुबे ला के असी ते खुबे आखने तुसी पता नहीं की आखदे हो खुबे ला के ना ते इना उत्ते जिहड़ा ना वेल्ला चढ़ाई दी ने खीरे दिया। अच्छा ए पैली जिहड़ी असी लाई दी आ एरा कोई महल्ले वकू इस तरह दा कि एरे आले दुआले जिहड़ा ना असी ओह भिंडियां लाई दी ने अभी देख लो यह भिंडियां की लाइन जी अभी तो बिच असी सब्जी लाई दी मुख्तलिफ सब्जियां लाई दी देख लो यह थले खीरिया दिया वेलां जी इधर ए जड़िया चढ़ी दिया नज़र आदि पे कद्दू जी
उत्ते जिहड़ियां असीं वेलां चढ़ाई दियां ने आ कद्दू ने, ते मैं तुहानूं कोलों भी जाके दिखाना कद्दू। आ जी माशाल्लाह आ कद्दू, आ देखो ना आ कद्दू पेदा जी, और बड़े कद्दू ने माशाल्लाह, छोटे छोटे बड़े बड़े, क्योंकि सुबह दे असी ला लेने, ते आ कद्दू देख लो फल पिया जे। इधर भी जगह जड़ी है ना, वो कद्दू मैं जालियां दे बेचा, देखो ना कितना झांगड़ा है, ए देखो कद्दू पेदा जे ए बिच, ए शायद ए देखो बड़ा सोहना जड़ा ना, कोई लमके दे ने, कोई जड़ा ना कुल्ली नवा एक कद्दू कीते दे ने, क्योंकि थल्ले अजकल बरसात दा मौसम है, ये सड़ जांदे ने, ते माशाल्लाह बड़ा फल पिया। लो जी हुण तुहानूं मैं उधर लै चला, इहदे चों बाहर निकलिए, तुसीं कद्दू देख लेने। ਇਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੱਦੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਰੇਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੇਲੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ। ਇਹ ਨੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੇਲਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕਰੇਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਮਕੇ ਦੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਚਾਰ ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰੇਲੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਕਰੇਲੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਬਜ਼, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਮੇ ਕੱਦੂ, ਮੈਨੂੰ ਛਿੰਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲੰਮੇ ਕੱਦੂ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਮੇ ਕੱਦੂ, ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੱਦੂ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਬੇ ਕੱਦੂ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈੱਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਦੂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਦੂ ਲੰਮੇ ਕੱਦੂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੱਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਣ ਕੱਦੂ ਲੱਥਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਸਵਾ ਮਾਣ, ਅਤੇ 100-150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ
बहुत अच्छा कारोबार है कोई डा, लेकिन मेहनत तो रोज़ स्प्रे करनी पैंदी चैना नू। एक साइड ते करेली है, एक साइड ते नवा फल लम्मे कद्दू, बहुत ही अच्छा फल। ते पट्ठे भी तुहानू मैं दिखाना, ते इंशाल्लाह ताला तुसी देख दियो मेरी वीडियो, तुहाडी मेहरबानी है। ते लाइक शेयर भी करया करो ताकि साड़ी हौसला अफजाई भी होवे। कद्दू एक अंडा कुंडा भी असी रखे इत्थे ताकि कोई गाह किथे आ जाए तो उन्होंने भी देिए। देखो कद्दू माशाल्लाह मेरे सर ते भी लमकते पे ने, नवा फल भी बहुत ज़्यादा है जी। भिंडी हाँ जिस तरह मैं तुहानू दस्या कि चार चफेरे ऐसी लाई दी ने, ते मर्चां लाई दी ने, है करेली, है कोई इस तरह नहीं हो जाती, बड़ी मेहनत करनी पैंदी जे। देखो ना तुसी किस तरह करेलियां पई दी ने माशाल्लाह। वीडियो आज को ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि टाइम टेबल दस रहा है कि 8 मिनट की तकरीबन वीडियो हो गई है। चलो करी करी ज़्यादा भी देख लिया करो। भिंडियाँ फुल तुम मैं कोल करके दसना भिंडी का जी, है देखो जी बहुत ही खूबसूरत है भट्ठे जी फल दे माशाल्लाह। हर तरफ हरियाली है, बड़ा प्यारा जहा मौसम है। भट्ठे भी पेद ने, भट्ठा भी तुम मैं दिखाना देखो ना ए पठे। पठे पे जे ए नवा फल भी पिया तो पुराना भी पिया। लेकिन पठिया कान नहीं जी जाती, बड़ी स्प्रे की है लेकिन कान बहुत ज्यादा। अज लई इन्ना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो च तुहानू मिलांगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अज तुहानू मैं उस सब्जी विच लैके आया कि जिहदे नाल छोटी छोटी तुहानू मैं दिखाई ही, तो हुण माशाल्लाह वड्डी हो गई है, तो एरे नालों फल भी उतर रहा है। यह भिंडियां मैं तुहानू दिखा रहा इस वेले जिहड़ी तुसीं जो कुछ देख रहे हो ना, यह भिंडियां ने, यह सामने लाइन जिहड़ी है ये भिंडियां दी है, ते यह भिंडियां उतरदियां भी पईयां ने। असीं फरोख्त करने आ सड़क दे उत्ते, रेहड़ी लाई दी है तो वह फरोख्त भी करने आ। यह नवे बूटे ने भिंडियां दे, ते यह खीरा जे यह हुण जिथे कैमरा वज रहा है यह खीरे जे, यह लाइन जी है यह खीरिया की जे, खीरे भी उतर रहे हैं, वह भी तुहानू मैं दिखावांगा कि कित्थे असीं फरोख्त करने आ। इन्हां देखो ना यह खीरिया दीआं वेलां असीं उत्ते चढ़ाई दीआं ने, इन्हां ते लकड़ियां दे खुब्बे ला के, असीं ते खुब्बे आखणे तुसीं पता नहीं की आखदे हो, खुब्बे ला के ना ते इन्हां उत्ते जिहड़ा ना वेलां चढ़ाई दीआं ने खीरे दीआं। अच्छा यह पैली जी असी लाई दी है, यह कोई महल वकू इस तरह का है कि एरे आले दुआले जड़े ना असी भिंडियां लाई दी ने। अभी देख लो यह भिंडियां की लाइन जी, अभी
ते बिच असी सब्जी लाई दी मुख्तलिफ सब्जियां लाई दी देख लो ए थले खीरे दियां बेलां जी इधर ए जड़ियां चढ़ी दियां नज़र आंदियां ए कद्दू जे ए उत्ते जड़ियां असी बेलां चढ़ाई दियां ने ए कद्दू ने ते मैं तुहानू कोलों भी जाके दिखाना कद्दू ऐ जी माशाल्लाह है कद्दू है देखो ना यह कद्दू पेदा जी और बड़े कद्दू ने माशाल्लाह छोटे छोटे बड़े बड़े क्योंकि सुबह दे असी ला लेने ते यह कद्दू देख लो फल पिया जे इधर भी जगह जड़ी है ना वो कद्दू मैं जालियां दे बेचा देखो ना किन्ना झांगड़ा है ए देखो कद्दू पेदा जे ए बिच शायद ए देखो बड़ा सोहना जड़ा ना कोई लमके दे ने कोई जड़ा ना कुल्ली नवा ए कद्दू कीते दे ने क्योंकि थले अजकल बरसात का मौसम है ये सड़ जाते हैं ते माशाल्लाह बड़ा फल पिया लो जी हूँ तुम मैं उधर लै चला ए रोज बाहर निकलिए तुसी कद्दू देख लेने ए जी अगे आ गया जनाब ए देखो तुसी ए कद्दू हो गए ए करेली है जी करेली अभी तुहानू मैं दहाना बिच पड़ के ए नैट हुंदा है मच्छियां फड़न वाला ए उत्ते जड़ा ना उत्ते चढ़ाई दियां ने बेलां ए देखो ना ए करेला तुहानू नज़दीक करके दिखाया ए देखो माशाल्लाह फल ए देखो लमके दे बड़ी दूर तक तकरीबन ए चार कनाल बिच सब्जी उगाई दी है लाई दी है ते है देखो ना सब्जी करेली ए नाल पे दियां तुसी गौर करो ते क्योंकि इन्हां दियां वल्लां भी जड़ियां ने ना वो सब्ज़ हुंदियां ने ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਕਰੇਲੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਮੇ ਕੱਦੂ ਮੈਨੂੰ ਛਿੰਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲੰਮੇ ਕੱਦੂ ਜੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਮੇ ਕੱਦੂ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੱਦੂ ਆ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਬੇ ਕੱਦੂ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੇਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈੱਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਦੂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਦੂ ਲੰਮੇ ਕੱਦੂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ
यह देखो जी इंशाल्लाह ताला ये रोज़ साढ़े हुण कद्दू जिहड़े ने ना ये मण कद्दू लथदे ने मण सवा मण ते 100-150 रुपए किलो असीं बेचने मतलब कि दूसरे लफ्जां च बहुत अच्छा कारोबार है कोई डा लेकिन मेहनत रोज़ स्प्रे करनी पैंदी जी इन्हां नूं एक साइड ते करेली है एक साइड ते नवा फल लम्मे कद्दू बहुत ही अच्छा फल ते पट्ठे भी तुहानू मैं दिखाना ते इंशाल्लाह ताला तुसी देख दियो मेरी वीडियो तुहाडी मेहरबानी है ते लाइक शेयर भी करया करो ताकि साड़ी हौसला अफजाई भी हो गए कद्दू एक अंडा कुंडा भी असी रखे इतने ताकि कोई गाहक इतने आ जाए तो उन्होंने भी देिए देखो कद्दू माशाल्लाह मेरे सर ते भी लमकते पे ने नवा फल भी बहुत ज़्यादा है है जी भिंडी हाँ जिस तरह मैं तुम्हें दसिया कि चार चफेरे ऐसी लाई दी ने ते मर्चा लाई दी ने है करेली है कोई इस तरह नहीं हो जाती बड़ी मेहनत करनी पैंदी जे देखो ना तुसीं किस तरह करेलियां पई दी ने माशाल्लाह वीडियो अज ज़्यादा लंबी हो गई है क्योंकि टाइम टेबल दस रहा है कि 8 मिनट की तकरीबन वीडियो हो गई है चलो करी करी ज़्यादा भी देख लिया करो भिंडियाँ ए फुल तो मैं कॉल करके दसना भिंडी का जी ए देखो जी बहुत ही खूबसूरत है भट्ठे जी फल दे माशाल्लाह हर तरफ हरियाली है बड़ा प्यारा जहा मौसम है भट्ठे भी पे देने भट्ठा भी थोड़ा मैं दिखाना आ देखो ना है भट्ठे ए पट्ठे पे दे जे ए नवा फल भी पिया तो पुराना भी पिया लेकिन पट्ठिया कान नहीं जी जाती बड़ी स्प्रे की है लेकिन कान बहुत ज्यादा ते आज ले इन्ना ही इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो च तुहानू मिलांगे अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स ए तुसी देख रहे हो मज्जां दे कट्टे तकरीबन ए फार्मिंग वास्ते आ कट्टे तकरीबन 17-18 कट्टे ले दे ने ए कट्टियां दा ए 2-2.5 साल बाद जिहड़ा ना ए कट्टा तैयार होएगा एक कट्टा ते 17-18 ये कट्टे ने जाहिर है 20-25 हज़ार रुपये का एक कट्टा लिया
तो जिसले दो ढाई साल इन्हां दी खिदमत की जाएगी तो ये अल्लाह के फजल नाल महंगे विकणगे। ये तकरीबन लख लख रुपए का एक कट्टा जिहड़ा ना वह विक जाएगा। मैं तुहानू करीब करके भी दिखाना। देख लो तुसी सारे छोटे छोटे जानवर ने कट्टे ने कट्टे। यह तो कैमरे च वड्डे वड्डे नज़र आ रहे हैं लेकिन यह वे पूरे पूरे ही ने 17-18 कट्टे ने जी। ए नाल कूह है लेकिन गलत जगह बन्ने दे ने कट्टे। ते पहली जड़ी है नाल बगदी भी है भी तुहानू मैं दिखाना। ते हैरू हल हुंदी एक असी तो पंजाबी च कहने कंघी हल एक हैरू हल हुंदी है। यह उस हल नाल जिहड़ा ना पैली नूं बांधे पे ने। ते कोल मैं तुहानू दसना कि पैली नूं बंदा बाहर है ट्रैक्टर की मदद नाल। ते बगले वो भी अपने रिजक तलाश कर रहे ने। वो गंडोए वगैरह खाते ने जो जमीन दे विच जिहड़ी रब की मखलूक है इन्हां दी जिहड़ी खुराक बन जाती है। बगले जिहड़े सफेद सफेद तुसीं देख रहे हो ये खा रहे ने। ट्रैक्टर करीब करीब आ रहा शायद मेरी आवाज़ तुहानूं नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। हुण कणक की तैयारी वास्ते आ जिहड़ी है ना पैली बो रहे हैं। पिछे पिछे तुरना पे कि तुरना यार बड़ी दूर तुर गया ना। देख लो कणक की तैयारी वास्ते अनु बोया जा रहा है। चार दिन बाद इतने कणक बीज दी जाएगी क्योंकि पर मूंजी लगी दी ए जमीन खाली है तो इन तैयार करके वक्त दे नाल राह देंगे ताकि फसल जिहड़ा ना हो जाए सही हुंदा है। क्योंकि यह जिहड़ा जिमीदार है ना ये टाइम का हुंदा है वक्त का हुंदा है। देख लो तुसीं कुदरती माहौल भाव बैठा कट्टिया वाला। अरे कट्टे ने